बस्मिल्ला रह इस लेक्चर के अंदर आज हाँ हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की बात करने वाले हैं जिसमें साथ में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी देखेंगे बिकॉज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आर मोस्टली यूज इन ट्रांसक्राइबिंग डिफरेंट थिंग्स खासतौर तौर पर ट्रांसक्रिप्ट जो होते हैं आपके इंग्लिश की लैंग्वेज है कोई अदर लैंग्वेज है ट्रांसलेशन है या कोई भी किस्म की इनकोडिंग है जिसमें टोकनाइजेशन देयर मेनी अदर टर्म्स जो हम आज यूटिलाइज करके देखने वाले हैं आर एन एन आर एन एन का मतलब है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और इसमें और बाकी जो दो पिछले हमने पढ़े हैं उनमें कोई खास फर्क होता है उन फर्क को भी देखेंगे और लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से जो हमारा काम है वो चलता है आज जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ बिट डिफरेंट देन द प्रीवियस थिंग्स और वो है ऑन वाइट बोर्ड ताकि आपको कॉन्सेप्ट मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ सो so, आप अगर साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे इट वुड बी ग्रेट फॉर यू सबसे पहले हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को देखना है हमने अभी तक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखे हैं जिसे हम एएनएन बोलते हैं ठीक है ए एन एन के बाद हमने सी एन एन देखा है विच आर आपको भी पता है कॉन्वल्यूशन नेटवर्क इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नेटवर्क इसी को हम सिंपल न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं अगर आपको पता है और इसी को हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं ठीक है

अब लेकिन ये दोनों जो पिछले हमने देखे हैं इन दोनों के अंदर एक चीज़ जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी विच इज रिलेटेड टू अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं समथिंग इज रॉन्ग विद दिस शेयर स्क्रीन जस्ट अ मिनट इट्स फाइन सॉरी तो हमारे पास जो मेन फर्क था इन तीनों में वो था जनाब आपका दैट वाज पे इमेजेस का डेटा हमारे पास आ रहा था और यहाँ पे सिंपल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम सिंपल स्ट्रक्चर डेटा ले रहे थे रोज एंड कॉलम्स का ठीक है इन दोनों में जो चीज मिसिंग थी वो थी मेमोरी ये मेमोरी बेस्ड नहीं है मतलब क्या होता था एक न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से चले वो न्यूरल नेटवर्क आपका स्टार्टिंग इनपुट लेयर से स्टार्ट होके इस तरीके से फिर बाद में आउटपुट लेयर के ऊपर जा रहा था समथिंग लाइक दिस हमारे कनेक्शंस ऐसे बन रहे थे हिडन लेयर से आउटपुट लेयर्स की तरफ मूव करता जा रहा था और जब कोई चीज खराब होती थी तो ये बैकवर्ड प्रोपेगेशन करके वेट्स एडजस्ट करता था फिर आगे जाता था ठीक है सो कुछ चीज याद नहीं था रखता ये सिर्फ चलती जा रहा है चलता ही 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये था हमें कि ये फास्ट काम कर रहा था बहुत फास्ट ये फॉरवर्ड प्रोपिगेशन है द वे ये बैकवर्ड है अब कॉन्वेशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सिर्फ ये फर्क था कि कि हिडन लेयर्स इसके अंदर थी यानी इमेज को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा जो डेटा था हमारे पास एक सिंगल अरे में आ जाता था ठीक है इसमें ये फर्क था अब कॉन्वलेशनल और ए एन एन यानी कि जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है सिंपल न्यूरल नेटवर्क इनमें तो हमें कोई खास फर्क नजर नहीं आता बट वेन वी गो टू वर्ड्स आर एन एन जिसको हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं इसमें जो एक मेजर फर्क है दैट इज अबाउट मेमोरी पहले दो जो न्यूरल नेटवर्क हैं, आप समझ गए होंगे मैं किस लफ्ज का इंतखा करने वाला हूं ये दोनों हैं गजनी पहले दो ये गजनी नहीं है मतलब ये भूलता नहीं है ये याद रखता है ठीक है अब इसकी फर्दर दो मेजर टाइप हैं जो बड़ी मशहूर जमाने एक को बोलते हैं एल एस टी एम एक को बोलते हैं जी आर यू दिस इज कॉल्ड आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक है और यहां पे क्या होता है आपका जी आर यू गेटेड रिकरेंट यूनिट्स और जो मेन टाइप है इसकी इसको हम आर एन एन बोलते हैं सिंपल आर एन एन तो आप अगर तीन टाइप्स लगाए इसकी सिंपल आर एन एन है है, हमारे पास इनमें फर्क यही है कि जनाब जो आपका आर एन एन ना इसके अंदर आपके पास मेमोरी होती है अब मेमोरी किस जुमरे में आती है मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर हम आगे मूव करेंगे मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं माई नेम इज़ अब इसके चार वर्ड्स हैं ये इस सेंटेंस के अंदर चार वर्ड हैं और बाय द वे इनको हम टोकन भी बोलते हैं अगर आपको एनएलपी की जुबान के अंदर समझाऊं तो ये बड़े सेंटेंस को छोटे वर्ड्स के अंदर तोड़ने को हम टोकनाइजेशन बोलते हैं और ये जो चार वर्ड्स हैं इसको मैं अगर टोकन बोलूं तो ये गलत नहीं होगा इसको टोकनाइजेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को अच्छा अब ये चार वर्ड्स अगर आप गौर करें इनकी सीक्वेंस मैटर करती है माई ने हमेशा नंबर वन पोजीशन पे आना है नेम ने हमेशा सेकंड पोजीशन पे आना है इज ने हमेशा थर्ड पे फिर आना है मेरा नाम ठीक है टू थ्री फोर अब मुझे बताएं अगर मैं इनकी सीक्वेंस चेंज कर दूं, यानी कि मैं बोलू तो एक वो सिंधी बंदा है ना जिनकी मीम्स बनी हुई है इंग्लिश बोलते हैं वो वो क्या नाम है उनका मुझे नाम नहीं याद वो बड़ा अलग किस्म का इंग्लिश बोलते हैं अगर किसी को नहीं पता तो वो एक दफ़ा सर्च कीजिएगा इंग्लिश में लशारी साहब आप जरा चेक कीजिएगा उनकी इंग्लिश उनकी इंग्लिश ये इसी तरीके से है कि सीक्वेंस कम होती है और इसमें कोई मज़े वाली बात नहीं है वो बंदे को खुद को भी पता है कि मेरा मज़ा बना रहे हैं लोग लेकिन वो इसी वजह से अपने आप को हिट भी करवा रहे हैं और वो इंग्लिश कम्स टू हिम वाला हिसाब है और अक्सर कौवा हुआ हमारे देसी लोगों की इंग्लिश ऐसे ही इंग्लिश कम्स टू मी वाला सीन होता है कि मुझे इंग्लिश आती है लेकिन एट दी एंड हम बस तोड़ छोड़ के बोल लेते हैं जो बाहर आते हैं ना उनको पता होता है पाकिस्तान में जितने मर्जी आइट किए हो यहाँ पे आके पता चलता है किस भाव बिकती है खासतौर पर यूके वाले ना आपके छक्के छुड़ा देते हैं वो बेचारे एक तो होती है इंग्लिश और फिर यूके में और फिर यूके की अगर नॉर्थ साइड पे चलो जब बोल जो फिर इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं बोलते लिवरपूल हो गया आपका न्यू कासल हो गया न्यू कासल से आगे आप चले जाए कंट इमेज क्या मतलब ये इंग्लिश कम्स टूम हम सिर्फ इंग्लिश से गुजारा कर रहे हैं अब होता क्या है अक्सर औकात यह सिक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करती कीपिंग ऑन द कॉन्टेक्स लेकिन हम बात कर रहे हैं रिटर्न इंग्लिश की यहां पर अगर मैं सेंटेंस को तोड़ के खराब लिखू मैं लिखू ने मैं यहाँ पे चौथे पे लिख देता हूँ अमार मुझे बताएं सेंटेंस की स्ट्रक्चर खराब नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डेटा रिटर्न फॉर्म में आता है यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फॉर्म में आता है देन वी हैव टू यूज समथिंग जिसमें मेमोरी का तस्करा है समझ आई बात की मेमोरी का तस्करा है यानी कि अब आपको शायद समझ आ गई हो कि अगर हमने एनएलपी के डेटा पे एनएलपी क्या है मैं पहले बता दूं क्योंकि कुछ लोग परेशान होते हैं इस लफ्ज को सुन के इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ठीक है नेचुरल लैंग्वेज का यह मतलब नहीं है इंग्लिश कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा की बात हो रही है यहां पे फिलहाल के लिए एनएलपी की बात की जा रही है तो ये सारी प्रॉम्प्टिंग किस बेस पे चल रही है अब बताएंगे आप एनएलपी की बेस पे ठीक है और जनरेटिव प्रीट्रेन्ड मॉडल यानी कि जीपीटी इसी के एक एग्जांपल है आगे फ्यूचर के अंदर वो जनरेटिव जो एआई है उसके अंदर ये काम हो रहा है बाय द वे हम बात कर रहे हैं अभी न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हर सेंटेंस के साथ एक मेमोरी जुड़ी होगी उनके वर्ड्स के अंदर हर टोकन की एक मेमोरी है इस मेमोरी को रिटेन करके आप कुछ भी कर सकते हैं यानी कि आप नए सेंटेंस पे बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पंद्रह हजार के अंदर जहां पे इज यूज हुआ है वो डेटा आ जाए तो एक न्यूरल नेटवर्क को पता नहीं चल जाएगा इज मैंने कहाँ पे यूज करना है सेम वही चीज जब बच्चों को बचपन में बताया जाता है बेटा जब रहा है रही है रहे हैं आएगा तब इज लगना है समथिंग लाइक दैट रहा है हमें आर इज एम आर जो होता है हमारा वाजवर् इस तरीके से हमें बताया जाता है ना हैज हैव ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम न्यूरल नेटवर्क को ये रूल्स भी बताते हैं और साथ में हम डेटा भी देते हैं लोगों का कमाल का लिखा हुआ डेटा जिसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है एंड देन फ्रॉम दैट डेटा अ न्यूरल नेटवर्क द पैटर्न और ये मेमोरी की बेस पे वो डिफाइन करता है अच्छा अगर पीछे नाउन था आगे एक नेम था तो इज आना है अगर ये पीछे नाउन है तो आर आना है इस तरीके से ये सारा कुछ लर्न करके आगे चलते है सही हो गया अच्छा ये तो मैंने एक सेंटेंस की बात की अब मैं बात करता हूं एक बड़े सेंटेंस की और उसके अंदर हम देखते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है एल एस टी एम बाई एम किस चीज का मोहफफ है ये जरा देखिएगा नेट पे अभी आपको समझ आ जाएगी एल एस टी एम एल एस टी एम हम मेमोरी की बात कर रहे हैं ना इसको बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छा अगर मेरी लिखाई समझना है तो मैं साथ साथ इसी वजह से बार बार ऊंचा ऊंचा बोल रहा हूं ताकि आपको मेरी आवाज तो समझ आ ही रही है ना तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या हो गया लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब यह है कि वो वाली शॉर्ट टर्म मेमोरी जो लंबी चले समझ आई बात की के नहीं आई नहीं आई यहां पे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है यानी कि एक वर्ड के पीछे क्या आना है फिर इसके पीछे क्या आना है फिर इसके पीछे क्या आना है अब इनको हम हिडन स्टेट ऑफ प्रीवियस लेटर भी बोलते हैं मतलब ये माई के पीछे है मेमोरी माई के बाद नेम्स नेम्स आ है के पीछे ये जो है, ये जो भी एक मेमोरी है शॉर्ट टर्म यानी कि दो की पीछे जो मेमोरी आ रही है वो एक वाली आ रही है तीन के पीछे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो ये वाली आ रही है चार के पीछे तीन वाली आ रही है यानी कि हर एक टोकन के पीछे वाले टोकन का पोजिशन प्लस उसकी स्ट्रक्चर आगे ट्रांसफर हो रही है इन साइड द मॉडल सही हो गया अब अगर एक बड़ा सेंटेंस हो एक बहुत बड़ा सेंटेंस हो उसके अंदर जब मेमोरी आपकी कंजर्व होती है तो उसे हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है चले आप मुझे सेंटेंस बताएंगे आप अभी नेट पे सर्च करें एल एस टी एम एग्जाम्पल टेक्स्ट फॉर एल एस टी एम आप सिर्फ ये सर्च करें आपको बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे फिर हम उसमें से देखेंगे कि कौन से सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं और आपने देसी सेंटेंस बना के मुझे देना एल एस टी एम का ठीक हो गया Let's see, क्या आता है हमारे पास सर्च कर रहे हैं चले, मैं कि यहां पे सेंटेंस लिखता हूं आपको समझ आ जाएगी बड़ा देसी सा सेंटेंस है आई लव समोसा चाट एंड दाल मखनी बिकॉज I like to eat dash cuisine. क्या आएगा इसमें डैश में इंटरनेशनली जो आएगा मैं वो लिख रहा हूं बायस नहीं होगा मैं इंडियन क्वीन ठीक है हमारा भी इंडियन कुजीन गिना जाता है अगर बाहर देखा जाए तो अब क्या हुआ समोसा यहां पे एक कीवर्ड है ठीक है चार दूसरा कीवर्ड हो गया हमारा दाल मखनी तीसरा कीवर्ड हो गया हमारा इन तीन की की मेमोरी स्टोर हो गई है आपके टेक्स्ट के अंदर अब अगर इंडियन कुजीन आना था तो ईट की बेस पे थोड़ी ना आना है समझ आई बात की जो पिछले हमारे कीवर्ड्स हैं उनकी बेस पे आना है ना, कुजीन जो भी आना इसके अंदर सो so, इस वजह से हम जो पुरानी हमारे पास एग्जाम्पल्स के अंदर समोसा चाट दाल मखनी या इस तरह के कोई अदर खाने आ जाते हैं उसके आगे जो सेंटेंस बन रहा है मेमोरी पीछे वाले भी लॉन्ग टर्म लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगी यानी कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है समोसा चाट एंड दाल लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है कैरी फॉरवर्ड हो रही है यहां पे समोसा चाट के साथ मिल गया चार्ट और दाल ये तीनों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बिकॉज के 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 लिए I की like के लिए like के, के लिए eat के लिए की की लेकिन ये ये जो है सभी की कैरी फॉरवर्ड हो रही है मेमोरी इसी वजह से इसको लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लंबे अरसे तक जा रही है लंबे सेंटेंस तक जा रही है सो देर आर की वर्ड्स जो आपके टेक्स्ट में होते हैं और वो क्या करते हैं वो आपको डिफाइन करके देते हैं कि यहाँ पे क्या आना है अच्छा मुझे एक और बात बताएं अब अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं आई लव ईटिंग पिज्जा पास्ता एंड मैं यहां पे लिख देता हूं एक और डिश लिखता हूं सोच के लिखता हूं क्योंकि क्यों मुझे काफी पसंद है कुछ एक आधी सोच के लिखता हूं आपको कौन सी पसंद है आप बता सकते हैं डिजर्ट के अंदर होती है डेजर्ट के अंदर बाय द वे डिजर्ट नहीं मैं कहूंगा एंजू फिर मैं भी बर्गर होया ना तो डेजर्ट डेजर्ट के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका तिरामीजो लाइव इटिंग पिज्जा पास्ता एंड तिरामीजो बिकॉज डैश क्विजीन इज माय फेवरेट जी, क्या आएगा ये द ब्लैंक्स के अंदर खाने की बातें हो रही हैं अब तो पता होगा काफी लोगों को इटालियन आपको कैसे पता चला ह्यूमन बीइंग क्योंकि हमने जो मशीन से करवाना है एआई के थ्रू वो ह्यूमन बीइंग का होगा तो वो उसको रेप्लीकेट करेगा ना बिकॉज ऑफ दीज थ्री की राइट राइट में से कितने लोगों तो को तीजामिजू का पता है काफी लोगों को शायद ना पता हो मुझे भी नहीं था पता डोंट वरी कोई मैं मतलब नहीं ला रहे थे ये मुझे भी नहीं था पता पास्ता का पता है सभी को पिज्जे का पता है ठीक है है बाय द वे आइसक्रीम भी इनकी है, अगर आपको नहीं पता तो सो so, पिज्जा पास्ता एंड तो ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जा रही है सही हो गया अब इसमें और गेटेड रिकरेंट यूनियन में सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे एल और गेटेड रिकरेंट यूनियन यानी ग्रुप जी आर यू इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि मेमोरी स्टोर कैसे करते हैं ये ठीक है इनके स्ट्रक्चर के अंदर अदरवाइज रिकरेंट यूनिट्स के आपको समझ आ गई है कि हमारे पास आर क्या होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है अगर इसकी डेफिनेशन को गौर से देखें जो अंग्रेज डेफिनेशन करते हैं उसकी बात करें तो ये ज्यादातर कहां पे यूज होता है अब उसकी तरह मैं चलता हूं आर अगर मेमोरी की बात हो रही है तो मेमोरी किस चीज में होती है ऐसे डेटा में जो सिक्वेंशियल डेटा है सिक्वेंशियल सिक्वेंशल डेटा सिक्वेंशियल डेटा कौन सा होता है जिसमें एक सीक्वेंस हो यानी कि जिसमें हर सेंटेंस या हर डेटा का लिंक पिछले डेटा के साथ हो मेमोरी या लिंक हर डेटा पॉइंट का लिंक बिटवीन डेटा पॉइंट सही हो गया अब मुझे एक बात बताएं ऐसा डेटा जिसका लिंक हो एक तो इंग्लिश का डेटा हो गया दूसरा एक और डेटा होता है जिसका लिंक होता है आपस में मिसाल देता हूं आपको आप जाते हैं जी एक 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 आप स्केज बनाते हैं रोजाना के बेस पे और देखते हैं मैंने रोजाना खाने में क्या खाया तो जीरो वन जीरो टू महीने की दूसरी तारीख तीसरी तारीख चौथी पांचवी छठी सातवीं इकतीस तक आप अपना आपका डेटा लिखते हैं कि मैंने ये खाया ये खाया ये खाया ये, खाया, ये, खाया, so on and so forth. ये जो डेटा है अगर आप टाइम के साथ लिखने हैं ना या अगर आपके डेटा के साथ टाइम अटैच हो गया तो आपका डेटा लिंक हो गया वो डेटा को आप इधर उधर मरोड़ तोड़ नहीं सकते सो यू हैव टू द टाइम स्टैम्प उस डेटा को हम टाइम सीरीज का डेटा बोलते हैं ठीक है और दिस डेटा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर डेटा एनालिसिस एंड की एप्स क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम सीरीज का डेटा मैं मिसाल देने लगा हूँ आपको परसों बारिश होनी है आज टेम्परेचर इतना है शाम को छ बजे क्लाउडी डे होगा तीन चार दिन बाद टेम्परेचर पचास डिग्री होने वाला है ये सब कुछ कैसे होता है ये टाइम की बेस पे होता है हिस्ट्री में टाइम की बेस पे डेटा दिया जाता है हिस्ट्री से मुराद मॉडल को जो डेटा दिया जाता है उससे मॉडल टाइम फ्यूचर वाला प्रडिक्ट करता है और इसके लिए लफ्स यूज होता है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग या फोरकास्टिंग हम बोलते हैं इसे ठीक है है तो ये forecasting इस से होती है. And here the time is dimension. पिछले के के अंदर NLP के अंदर हमारे पास डेटा था क्योंकि मेमोरी ऑफ द लिंक बिटवीन वर्ड्स क्या था वो वो हमारे पास एक डायमेंशन थी जिससे हमारा डेटा सारा आगे चल रहा था अच्छा टाइम सीरीज का डेटा जो है क्यों इंपॉर्टेंट है आपका जितना बिजनेस है ना सारा इस पर डिपेंड करता है इस एक लफ्स स्टॉक मार्केट्स पे ऐसे ही है, करता है कि नहीं करता स्टॉक मार्केट का डेटा टाइम सीरीज का डेटा होता है इतने बजे इतने स्टॉक का ये प्राइस थी फलान जगह पे फ्लान प्राइस थी अब ये प्राइस हो गई ओपन आई की प्राइस बढ़ गई इसमें इन्वेस्ट कर लो फलान जगह पे कर लो इस चीज के स्टॉक ले ले टिप आई है अक्सर को कहा आपके जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले दोस्त होते हैं ना वो अक्सर को कहा ऐसी टर्म्स यूज करते हैं यार एक टिप आई है क्यों जी वो आपने देखा होगा काफी स्टैंड अप कॉमेडियन भी इस चीज में बात करते हैं कि यार वो पान जो है वो बहुत बिक रहा है फ्लान जगह का तो क्यों बिक रहा है पता नहीं क्यों बिक रहा है लोग थूक रहे हैं जमीनों पे दीवारों पे और फिर लोगों को पेंट करने की जरूरत पड़ रही है सो पेंट का स्टॉक उठा ले क्योंकि आजकल लोग पान बहुत खा रहे हैं तो इस तरह के ना लॉजिक बनाते हैं लॉजिक मतलब बने या ना बने अलग बात है वो लॉजिक बना के आगे चलते हैं कि फ्ला स्टॉक ज्यादा चलेगा और इस चीज के ऊपर अगर आप एक एल्गोरिथम डेवलप कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने जॉब रेडी के कोर्स के अंदर ये सारी चीजें इतनी डिटेल में समझाई हुई है ना कि अगर कोई बंदा उसे एक दफा देख ले ना देख ले सिर्फ सुन ले तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चीजें मैं यहाँ पे बड़ी डिटेल में बात नहीं करने वाला स्टॉक मार्केट के डेटा पे बिकॉज दिस इज अनदर नीश जो एक प्रॉपर इसकी एक लाइब्रेरी है याहू फाइनेंस वहां से आप पिछले कई सालों का डेटा ले सकते हैं हर स्टॉक का और मैंने बड़ी डिटेल में कोडिंग के साथ समझाया जो आप के कोर्स के so, कौन जाने फ्यूचर में आप एक स्टॉक मार्केट के डेटा को प्रोडिक्ट करने की ऐप बना लें और आप वहां बैठे बाद हो बात चो तुनो ना पहचानो सो आपको बंदा फोन करे आप तुझे कौन भाई ठीक है सो न गो विद डेट एग्जैक्टली आई वॉज गोइंग टू सेव वन नेम नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी पढ़ी है और नाम आप बताएंगे क्या है आप में से काफी लोगों को पता है टाइटेनिक वाले बंदे की है और वो मार्केटिंग के अंदर कमाल मूवी है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एग्जैक्टली ये मैं क्यों बात कर रहा हूं जब बड़ा खेलना है ना तो बड़ी मार्केट्स को सर्च करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई मौजूद नहीं है कि बड़ी मार्केट में खेलने वाले लोग हमें समझाएं तो हमने जो लोग ऑलरेडी फिल्माए गए हैं हैं या डॉक्यूमेंट्रीज उनको देख के कुछ सीखना होता है तो शुक्र अल्लाह का ये भी अदा करें कि हम तक ये चीजें पहुंच रही हैं अदरवाइज देर आर फ्यू कंट्रीज इन अफ्रीका जहां पे इंटरनेट भी अक्सर जगहों पर नहीं पहुंचता वैसे व्हाइट बोर्ड पर लिख के डिफरेंट कोडिंग सीख रहे होते हैं सो स्टार्ट दिस थिंग और आप वो अगर देखें तो आपको समझ आ जाए क्या होता है आप गा रह कर रहे हैं बट ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें पॉजिटिव वे में सोचें तो दुनिया में काफी नेगेटिव चीजें जिनसे पॉजिटिविटी निकलती है सो इट्स यू योर योर पर्सनैलिटी उसमें से आप क्या निकालते हैं ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता जो जो सोचना है जिसने सोचना है वो सोच सकते हैं बट फॉर माई साइड

प्लस uh, अकाउंट और वहां पे आप प्लगइन्स को भी यूज कर सकते हैं बाय द वे टाइम सीरीज से बात हुई टाइम सीरीज से बात चली कहां पे चली गई एंड आर मेनी पीपल अगर आप फ्यूचर के अंदर टाइम सीरीज की सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस सीख लें और डेटा प्रोडिक्शन और मशीन लर्निंग सीख लें यानी कि पूरी डेटा साइंस अगर मैं डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ ए उसके अंदर है ये मैंने पहले भी बताया था सिर्फ टाइम सीरीज को आप मास्टर कर लें ना यू आर गुड टू गो इन स्टॉक मार्केट यू आर गुड टू गो इन इन्वायरमेंटल एजेंसी क्योंकि आपका टेम्परेचर और इधर उधर का जितना डेटा इस वक्त मौजूद है दुनिया के कहीं और किसी और चीज का नहीं है एक और चीज़ आपको बता दू नासा का डेटा जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के अंदर बिलियन से भी ऊपर टेराबाइट का डेटा वो फ्री में लॉन्च करने वाले हैं दुनिया के लिए और वह सारा टाइम सीरीज का डेटा है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन तो अगर आप सैटेलाइट इमेजरी या इस तरह का डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं देन यू शुड गो फॉर टाइम सीरीज ये ऐसी की टर्म है कुछ नहीं है डेटा वही है सारे का सारा या तस्वीरों का है या ऐसे स्ट्रक्चर्ड है एक कॉलम टाइम का समझ आ गई बात की या दो कॉलम हो जाएंगे मतलब आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स सो दीस आर द थिंग्स जो आपको देखनी है ओके okay, अब यहां पे अ uh, कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताने वाला हूं जो एनएलपी के अंदर जरूरी है और उसके बाद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से ये डिजाइन होती है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद बिट ऑफ एग्जांपल इन टाइम सीरीज बाय द वे यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मैंने अपना जॉब रेडी का कोर्स है जिसपे ट्वेंटी फाइव डॉलर की जो मैंने प्राइस लगा के उसको बड़ा रिड्यूस करके लिखा हुआ है उसकी वजह भी ये थी कि मैं चाहता था कि जब ये वाली चीजें सामने आए ना लोगों के पास तब उनको बताया जाए कि ये कहाँ पे अवेलेबल है सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दैट कोर्स उसके अंदर ये टाइम सीरीज और स्टॉक मार्केट के ऊपर अच्छे खासचर्स है ठीक हो गया सो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओके अब हम चलते हैं जी आगे डेफिनेशन पे वन बाय वन करके और डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आप टाइम सीरीज के डेटा को और एन के डेटा को दोनों को डिवाइड कर सकते हैं मैं कुछ टर्म term, टर्मिनोलॉजीज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे uh, अगर आपने ब्रेक लेनी है तो यहाँ पे हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं